Today I'm going to revise whole chapter electoral politics from the book. कि अगर कुछ भी रह गया है तो हमारा वो साइड बाय साइड कवर हो जाए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द फर्स्ट पेज इट्स गिवन व्हाट आर इलेक्शंस. अर्पिता स्ट्रेट. व्हाट आर इलेक्शंस? प्रोसेस बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू इलेक्शंस, है ना. तो व्हाट आर इलेक्शंस अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है प्रोसेस बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इन इंडिया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इलेक्शंस, फिर बाई इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस. तीनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. जनरल इलेक्शन 5 ईयर्स के बाद होते हैं, पंजाब में अभी आने वाले हैं. एंड मिड टर्म अगर फुल हाउस डिजॉल्व हो जाए तो जो पार्टी आती है पावर में, जो टीम पावर में आती है, दैट इज फॉर फुल टेन्योर. एंड अगर बाई इलेक्शंस होते हैं, किसी की डेथ हो जाए, कोई कैंडिडेट या रिजाइन कर जाए कोई मिनिस्टर, देन वेकेंट सीट जो होती है दैट वुड बी फिल्ड विद इन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स. एंड कैंडिडेट जो पावर में आता है दैट इज ओनली फॉर रिमेनिंग पीरियड. जितना पार्टी के पास टाइम है उतने पीरियड के लिए कैंडिडेट पावर में आता है. तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. ठीक है. उसके बाद बुक में फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है हरियाणा असेंबली इलेक्शन. एंड स्टूडेंट्स आपको हरियाणा असेंबली इलेक्शन पे पेपर में नोट भी आ सकता है. इज इट क्लियर? राइट नोट ऑन हरियाणा असेंबली इलेक्शंस. इज इट क्लियर? तो हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में आप बताओगे कि जो इलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ईयर्स पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आपको ईयर्स लर्न करने हैं. 1982 एंड देन 1987. 82 में मींस कांग्रेस आई होगी. ठीक है. देन इन 87 चौधरी देवीलाल लोक दल. व्हाट हैपेंड? एक मिनट, ये डिस्टर्बेंस आ रही है. वेट स्टूडेंट्स, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम मे बी. चलो, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में आप बताओगे कि 1987 देयर वर इलेक्शंस इन हरियाणा. चौधरी देवीलाल वाज द लीडर ऑफ लोक दल एंड ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट न्यायुद्ध. न्यायुद्ध मीन्स स्ट्रगल फॉर जस्टिस. चौधरी देवीलाल प्रॉमिस्ड विद द पीपल दैट व्हेन हिज पार्टी एंड ही वुड कम इन पावर बिकॉज बिफोर अर्लियर देयर वाज कांग्रेस. हरियाणा में तब जो पार्टी रूल कर रही थी ना, that was Congress. And Chaudhary Devi Lal, he was from opposition party. He was from Lok Dal. And he promised, aap pad chuke ho ki elections ke time, candidates and political parties, they make various promises with the people to mold public opinion in their favor and to attract the voters. To Chaudhary Devi Lal ne bhi kuch aisa hi kiya. He promised with the people that if he would come in power, he would waive the loans of the farmers and small businessmen. तो ऐसा वाला प्रॉमिस उसने किया. ठीक है. तो चौधरी देवीलाल ज्वाइंट हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उसे कहते हैं अलाइज. तो हरियाणा में इलेक्शंस हुए एंड लोक दल पार्टी जो थी दैट वाज डिक्लेयर्ड विनर. जीत गई ये पार्टी. एंड दिस पार्टी, ये जो पार्टी थी, गोट 76 सीट्स विद अलाइज आउट ऑफ 90. अगर हम अकेली लोकदल की बात करें तो दिस पार्टी गोट 60 सीट्स. आपको ये आना चाहिए, 76 सीट्स विद अलाइज. अलाइज आपको पता है ना, चौधरी देवीलाल ज्वाइंट हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज. तो अलाइज के साथ उसे मिली 76 सीट्स आउट ऑफ 90. ठीक है. एंड अगर अकेली लोकदल की बात करें तो उसे मिली 60 सीट. अगर वो अकेला भी देखें तो वो मेजोरिटी में थी वो पार्टी, जीता वो. तो लोक दल पावर में आई आते ही, और इसमें से आप जो कांग्रेस दैट वाज रूलिंग पार्टी अर्लियर, कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट्स मिली. कितना फर्क पे कांग्रेस बुरी तरह से वहां पे हार गई कि लोक दल 60 सीट विद द लाइज 76 एंड कांग्रेस ओनली 5 सीट्स जो पहले वहां पे रूलिंग थी. तो आते ही चौधरी देवीलाल ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया. He waived the loans of farmers and small businessmen. सब कुछ किया जो जो उसने करना था.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो चौधरी देवी लाल को ओथ किसने दिलवाई, यू नो इट वेरी वेल, कौन करता है ये काम? गवर्नर. अगर स्टेट है तो गवर्नर, अगर कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर है तो प्रेसिडेंट, अगर चीफ मिनिस्टर्स हैं तो गवर्नर. तो ओथ सेरेमनी के बाद चौधरी देवीलाल ने अपने फर्स्ट सेशन में, जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, ही डिक्लेयर्ड कि ही हिज पार्टी इज गोइंग टू वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन. सारे उसने अपने ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिसेस, बट हिज पार्टी रूल्ड ओनली फॉर 4 years. एंड आफ्टर 4 years अगेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन हरियाणा. अब आप मुझे ईयर बताओ, 87 + 4, इट मीन्स इन 19, तभी मैंने बिगनिंग में बोला था हियर यू हैव टू लर्न फ्यू इयर्स. इन 1982 कौन सी पार्टी पावर में आई? कांग्रेस. इन 1987 आफ्टर 5 years लोकदल, एंड दिस पार्टी रूल्ड ओनली फॉर 4 years. तो अब 1991 में हरियाणा में दोबारा इलेक्शंस हुए एंड लोकदल उसमें विनर नहीं थी, अगेन कांग्रेस केम टू पावर. तो दिस इज अबाउट हरियाणा असेंबली इलेक्शन. इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कभी भी लोग जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते. इफ गवर्नमेंट गिव फैसिलिटीज, पीपल डिमांड मोर एंड मोर, पीपल नेवर गेट सेटिस्फाइड बाय द फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट. कभी भी लोगों को प्रेस करते हुए कम देखा होगा, लोग अपनी गवर्नमेंट की प्रेस कम करते हैं. पीपल ऑलवेज सॉ देयर पावर होल्डर्स क्रिटिकली बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक देम क्या बनाना चाहते हैं, बेस्ट. आपको हमेशा टीचर्स आप में वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं, आपको गुस्सा भी आता है उस टाइम कि मुझे क्यों ऐसे कहा, वीक पॉइंट मेरे में क्यों टीचर फाइंड आउट करते हैं, मेरे में इतनी क्वालिटीज हैं. वो आपको बेस्ट टू बेस्ट बनाना चाहते हैं. समझ आई? क्रिटिसिज्म को राइट वे से लिया करो. पेरेंट्स अगर किसी बात में आपकी गलतियां निकालते हैं ना, तो उसको समझो, उसे राइट वे से लिया करो, आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं. समझ आई? इसीलिए ये अगर कहा जाए कि दिस स्टूडेंट इज टॉपर, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज रॉन्ग. उसमें भी वीक पॉइंट ढूंढे जाएंगे कि यू आर टॉपर इन द स्कूल, व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा तो व्हाट अबाउट बोर्ड स्टेट, आप क्यों नहीं बोर्ड में ही क्यों नहीं नंबर वन पे आते. तो ये कभी भी किसी बात की लिमिट्स नहीं है, क्योंकि आपको बेस्ट टू बेस्ट बनाना है. इसीलिए आपके इतने टेस्ट होते हैं, स्कूल वाले कितने कितने टेस्ट लेते हैं, आपके कितने टर्म्स आप क्लियर करते हो. व्हाई, क्यों? क्योंकि आपको बेस्ट बनाना है. समझ आई? ये बाद में बातें पता चलेंगी. तो इसीलिए लोग भी जो है वो अपनी गवर्नमेंट, अपने पावर होल्डर्स को बेस्ट बनाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वो हमेशा उनको क्रिटिसाइज ही करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, यू कैन राइट इट इन ओन वे. Why do we need election? क्यों चाहिए हमें election? To select the candidates. We are living in a representative democracy. ऐसे बनाओ, ऐसे भी लिख सकते हो. आपको पता है ना democracy दो तरह की होती है, एक direct है और एक indirect. हम indirect में रहते हैं. हमारे यहाँ पे representatives, क्योंकि इंडिया की population बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई small city state में तो हम रहते नहीं है, तो population wise, area wise, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, दे टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. तो आप स्टार्ट यहां से करो कि वी आर लिविंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इन दिस कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड बाय, आर इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू इलेक्शंस, एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग द ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. क्योंकि लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट में तो लोग लेते हैं डिसीजन जनरल असेंबली की मीटिंग में, बट इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, बिकॉज दे हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. एक तो इसलिए हमें चाहिए क्योंकि हम रहते ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो ऐसी कंट्री में तो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्शंस के थ्रू ही लाएंगे ना, फिर इसीलिए हमें इलेक्शंस चाहिए. फिर बताओ कि ये जो इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट को कभी भी डिक्टेटोरियल नहीं बनने देते. Elections does not allow government to become dictatorial. Dictatorial समझ आ रही है? हिटलर बना था ना डिक्टेटर, हिटलर ने सबसे पहले यही काम तो आके किया, लोगों की सिविल लिबर्टीज छीन ली, उसने मीडिया अपने अंडर किया. अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल हो जाएगी, ठीक है. गवर्नमेंट अपनी पावर्स मिस यूज करेगी, क्योंकि उसको कभी भी ये डर नहीं होगा, कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा. थ्रू कॉम्पिटिशन पीपल कैन सिलेक्ट गुड कैंडिडेट्स, लोग अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन किससे आता है,
only because of elections. If elections are not held, there is no competition between the political parties, then चाइना की तरह आप कह सकते हो वन पार्टी एंड दैट कैन मिसयूज इट्स पावर्स एट एनी टाइम. लोगों के पास सिविल लिबर्टीज ही नहीं रहेंगी, इलेक्शंस ही नहीं होंगे, कैंडिडेट्स आंसरेबल ही नहीं होंगे, कैंडिडेट्स नेवर जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं रहेगी, रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी. इलेक्शंस मेड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव. अगर वो डिसीजन लेते हैं तो उस बात के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ठीक है ना. कल को वो ये तो नहीं ब्लेम करते हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाइना में तो वो ब्लेम कर देते हैं, ठीक है. इंडिया में तो कभी भी आप सुनो ये आपस में एक दूसरे को पार्टीज ब्लेम करती हैं, लोगों को तो नहीं करते कुछ ब्लेम. मोनाको होगा लोग तो कह ही नहीं पाएंगे, मोनाको को क्रिटिसाइज कर पाएंगे लोग? नो. डिक्टेटर को हिटलर को कर पाते थे लोग क्रिटिसाइज? क्या करते थे वहां पे? सीक्रेट पुलिस थी ना. जर्मनी कैसी स्टेट बना था? जर्मनी हिटलर के अंडर कैसी स्टेट थी, कैसी पुलिस थी वहां पे? पुलिस स्टेट बना था. तो क्यों पुलिस स्टेट क्यों थी वहां पे? कि हिटलर के अगेंस्ट अगर कोई भी बोलता तो वो क्या करते थे उसे? सेंड बिहाइंड बार, उसे उठा के जेल में डालते थे. हिटलर के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता था. आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट हम कितना बोलते हैं, हम कितना क्रिटिसाइज करते हैं उनको, हम कैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कभी भी लोगों को प्रेस करते सुना? एंड दे आर फेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल, फेस करते हैं. प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैज टू फेस द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल. इट्स ओनली बिकॉज इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री एट फिक्स्ड टेन्योर. ऑल सारे आंसरेबल हैं. अवर कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल, दे आर आंसरेबल टू द पीपल. And people have full right to know about the functioning of the government. Kitna transparent hai. There is transparency. Only because of elections there is transparency. Transparency hai. People have full right to know about the functioning of the government. Elections hi transparency laate hai government ke functioning mein. Elections bring transparency in the functioning of government. Samajh aayi? Elections nahi hoenge, transparency hoegi? कभी भी नहीं होगी. People know, people in our country, people have full right to know about the functioning of government. आरटीआई पढ़ा हुआ है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो वो लोगों को क्या बनाता है, गवर्नमेंट को क्या बनाता है? आंसरेबल. आपको पता है बेस्ट लॉ में कंसीडर हुआ है आरटीआई, क्योंकि इस लॉ ने लोगों को फुल राइट दिया है टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. लोगों को पूरा राइट है कि गवर्नमेंट, उनकी ये वाली प्रॉब्लम थी तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है. पीपल हैव फुल राइट टू नो. ये नहीं है कि वो स्नब कर देंगे लोगों को, सप्रेस कर देंगे कि नहीं आंसर देना. दे हैव टू गिव आंसर. प्राइम मिनिस्टर तक आंसरेबल है हमारी कंट्री में. तो इज इट क्लियर? सो दैट्स वाई वी नीड इलेक्शन. प्राइम मिनिस्टर भी तो थ्रू इलेक्शन ही पावर में आया. तो इलेक्शन मेड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव. इलेक्शन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. जैसे मर्जी लिखो इस क्वेश्चन को कि वी आर लिविंग इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड सोनली बिकॉज ऑफ इलेक्शन. आपने तो इलेक्शन की इंपॉर्टेंस बताते जाना, कुछ नहीं करना इसमें. फिर बताओ इलेक्शन गवर्नमेंट को क्या बनाते हैं? अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिबल बनते हैं हमारे कैंडिडेट. इलेक्शंस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन लेके आते हैं, ठीक है. हर पार्टी हर कैंडिडेट अपना बेस्ट टू बेस्ट वर्क करने के प्रॉमिस करते हैं. तो ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्शंस पार्टी कैंडिडेट्स जो होते हैं दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल बिकॉज दे हैव टू फेस दम इन द नेक्स्ट इलेक्शन. तो इस वे से बनाते जाओ ना ये सारे पॉइंट्स. अपने आप बन जाना है. वाई डू वी नीड इलेक्शन? इज इट क्लियर? गवर्नमेंट को क्या नहीं बनने देते? डिक्टेटरियल. क्या नहीं बनने देते? गवर्नमेंट अपनी पावर्स मिसयूज नहीं कर सकती. एंड पीपल इंजॉय सिविल लिबर्टीज. इलेक्शन होंगे तो लोगों के पास भी सिविल लिबर्टीज रहेंगी, ठीक है ना. पावर लोगों के हाथ में रहेगी क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर में लाएंगे तो पहले तो लोग पावर में आए ना. राइट टू वोट भी तो मिला ना लोगों को. लोग लेके आए पावर में, वो अपने आप पावर में नहीं आए. सो दैट्स व्हाई वी नीड इलेक्शंस. What makes elections democratic? ये भी आता होगा. Very good. एक तो fixed tenure पे होते हैं, ठीक. One person one vote one value system is followed. ये भी उसको बनाता है. Free and fair elections होते हैं. Very good. Good. देखो सब बच्चे अपने अपने points बना रहे हैं. Very good. Very intelligent. कितने अच्छे बच्चे हैं. ये जो points बना रहे हो you can write in paper. आपको कहीं पे learn करना है. नो नीड टू लर्न. नो नीड टू कहीं से भी आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको अपने आप आपका आंसर आना चाहिए. व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? एक तो फिक्स है, निवर भी हो रही है, फिर मनी और फ्री एंड फेयर है.
हाँ लोगों को, एवरीवन हैज गिवन राइट टू वोट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन प्रिया. हाँ वो भी है. और वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू सिस्टम इज फॉलोड. और व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. वेरी वेरी गुड. पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पावर्स, रूलिंग पार्टी अपनी पावर्स मिसयूज नहीं कर सकती. रिलीजियस प्लेसेस सेक्रेट सिंबल्स यूज, कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट, वोटर्स को रिश्वत है ना, कांट ब्राइब द वोटर्स. कितने पॉइंट्स है. तो ये चीजें उनको डेमोक्रेटिक बनाती है. तो आप लिख सकते हो ना, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ही दिया हुआ है गवर्नमेंट ने हमें. हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वो किसी प्रेशर के अंडर है ही नहीं. वो किसी पार्टी के या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, अगर पंजाब के इलेक्शन होने हैं तो हमारा इलेक्शन कमीशन चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के अंडर नहीं है. इट्स टोटली इंडिपेंडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे प्रॉपर इंडिपेंडेंट रखा है हमारे इलेक्शन कमीशन को. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वो अपना वर्क इंडिपेंडेंट वे से करेगा तो इलेक्शन तो डेमोक्रेटिक ही रहेंगे ना. क्योंकि जो कंडक्ट करवा रहा है वो पूरा डिपार्टमेंट ही पूरा फेयर है, फेयर वे से फंक्शन कर रहा है. वो कोई पार्शल नहीं है, पार्शल रोल नहीं प्ले कर रहे. तो इट मीन्स इलेक्शंस कैसे रहेंगे, डेमोक्रेटिक. इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? यस. आप अपने आप पे लाके देखो ना, कॉम्पिटिशन नहीं है तो क्या ये जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, जो सेकंड आता है वो तो फिर अपने आप से मान लेगा कि चलो कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाएगा, ठीक है मैं सेकंड हूँ कोई बात नहीं, मैंने सेकंड पे ही रहना, फर्स्ट तो इसी को ही आना है, मेरे को तो आना ही नहीं है. कभी सोचा ऐसे? जो बच्चा नहीं भी पोजिशन होल्डर होता वो भी एफर्ट्स कर रहा होता है कि मैं भी टॉप पे आऊं. ऐसे होता है ना कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं भी टॉप पे आऊं, मींस कंपटीशन है. तो कैंडिडेट्स में तो होना ही चाहिए क्योंकि उन्हीं के हाथ में तो पूरी कंट्री की कमांड है. कमांड ऑफ द कंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ द कैंडिडेट्स और इन द हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. उन्हीं के हाथ में कमांड है ना कंट्री की, ठीक है ना. अगर वही गलत आ गए, उनका कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो कमांड ऑफ कंट्री क्या आएगी, गोज इन रॉन्ग हैंड में जाएगी. तो उसके वर्स्ट कौन होएंगे, किस कौन वर्स्ट सफरर होएंगे, पीपल. और फिर क्या होना चाहिए, कंपटीशन होएगा. पार्टीज कैन फ्रेम इट्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स इन ना बेस्ट वे. हर कोई अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा. फिर सम टाइम्स पीपल ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, उनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं. कंपटीशन होगा तो बेनिफिट्स मिलेंगे. अभी मिला नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, उसने हमारे चीफ मिनिस्टर ने बेनिफिट दिया पंजाब में काफी. तो ये कंपटीशन ही तो है, दैट इज कंपटीशन. कि उन्होंने इतना अच्छा एक बता दिया, मे बी चांसेस बन जाए उनके जीतने के, नेक्स्ट टाइम लोग उन्हीं की फेवर में वोट कर दे. ये जो फैसिलिटीज आते ही चीफ मिनिस्टर ने लोगों को प्रोवाइड की है हमारे पंजाब में ही देख लो, तो हो सकता है लोग उन्हीं की फेवर में वोट कर दे. इसीलिए है ना कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में आने के लिए. अब दूसरे भी आ रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं हम भी यही करेंगे. इन्होंने जो स्टेप लिया, अब दूसरे आप आ रहे हैं कि वी विल आल्सो फॉलो दीज स्टेप्स. तो पहले क्यों नहीं, अब इन्होंने आके प्रॉमिस किया, दूसरे भी आ गए, वी विल आल्सो डू दिस. तो ये पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में करने के लिए होता है. तो इट मीन्स कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन ही ना होता फिर ये क्यों प्रोमिसेस करते, हमारे कैंडिडेट्स प्रोमिसेस ही ना करते, कोई भी बेस्ट पॉलिसीज ही ना बनाता, कोई भी आंसरेबल ही ना होता, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं है. ठीक है, आप में कॉम्पिटिशन ना रखो, ठीक है, सब बच्चे पास, सिर्फ पास का एक आपको मिलना है, बस आपको पास और फेल का रिजल्ट मिलना है, कोई परसेंटेज नहीं, कोई कुछ नहीं, इट्स ओके. आप बेस्ट टू बेस्ट वर्क करोगे, आपको होना है, ये जो भी टॉपर है उनको होना है, आने तो परसेंटेज तो कहीं पे शो ही नहीं होनी, ठीक है, फिर पास ही होना है. ठीक है, इतनी को मेहनत करो पास हो जाओ, कोई भी बेस्ट परसेंटेज लाने के एफर्ट्स नहीं करेगा. अगर कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो क्यों करोगे बताओ, आपको तो सर्टिफिकेट मिलना है पास का, बताओ तो आप करोगे फिर. अरे कोई होना पास का मिलना है, चाहे वो 40% के साथ मिले, चाहे वो 99% के साथ मिले, मेरा तो वहां पे मेंशन ही नहीं होना 99% के साथ है, मुझे तो पास 40% के साथ जैसा ही सर्टिफिकेट मिलना है. फिर आप करोगे बेस्ट टू बेस्ट, आपका मन नहीं लगेगा फिर पढ़ने में, आप बेस्ट फंक्शंस परफॉर्म अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं करोगे. वैसे ही कैंडिडेट्स हैं, सम टाइम्स दे आर गिवन इंसेंटिव्स. ऐसे कैंडिडेट्स को तो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए. इंसेंटिव्स कौन देते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को, लोग देते हैं. लोग कैसे, वैसे तो गवर्नमेंट भी देती है पर लोग भी देते हैं, लोग दोबारा ले आते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को वापस, ठीक है ना. स्कूल वाले ग्रीन कार्ड देते हैं ना, कुछ अच्छा काम करते हो तो इनको भी मिलते हैं रिवॉर्ड्स. समझ आई, बेस्ट टू बेस्ट फंक्शंस करेंगे ये लोग. तो अपने आप बनाओ, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. ये तो कभी किसी को आपको करवाना ही नहीं चाहिए, अपने पे ले जाओ, सोचो कि कॉम्पिटिशन होगा तो क्या होगा. नहीं होएगा
ये भी बताओ कि इफ देयर इज नो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है, नो वन विल मेक बेस्ट, नो वन विल फ्रेम बेस्ट पॉलिसीज, नो वन विल बॉदर अबाउट द कंट्री और अबाउट द, कोई बॉदर ही नहीं, नो वन विल बॉदर अबाउट द विशेज ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इस वे से आप बताओगे डिसएडवांटेज ग्रुप का तो कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है ना। नो वन विल बॉदर अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द पीपल डिसएडवांटेज ग्रुप्स, उनकी कोई भी डिमांड्स को पूरा नहीं करेगा। कंपटीशन था तो एससी एसटी के लिए सीट्स रिजर्व हुई ना, किसी पार्टी ने आगे ये बात उठाई ना तो उनकी सीट्स रिजर्व होगी। कई बार कईयों को फायदे होते हैं कंपटीशन से, इज इट क्लियर। अपने वे से लिखो। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कितना इजी टॉपिक। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मीनिंग, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, दैट इज नोन एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट प्रेजेंट इन इंडिया। देयर आर 543, आउट ऑफ दीज 412 आर फोर जनरल कैटेगरी, इतनी उनकी इतनी उनकी, सब बता के 84 फोर एस सी, 47 फोर एस टी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इफ देयर आर, अब बताओ कि डीमार्केशन, अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपको 3 मार्क्स का गया, वैसे तो इट्स इनफ जितना आपने लिखा, फिर आप इसको इलेबोरेट करने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हो, अपने आप फ्रेम करते होते हैं वहां पे पॉइंट्स। कौन करता है डीमार्केशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी? दिस डीमार्केशन इज डन बाय इलेक्शन कमीशन बिफोर द इलेक्शंस। साथ में और पॉइंट ऐड करो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं इसमें एरिया एंड पॉपुलेशन रफली इक्वल होता है, रफली, रफली वर्ड है, ठीक है, रफली। तो इस वे से बताओ, फिर बताओ कि इफ देयर आर स्टेट, अब बताओ कि इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स, एंड स्टेट्स की अगर इफ देयर आर इलेक्शंस इन द स्टेट, किसी भी स्टेट में इलेक्शंस हैं, देन दैट स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट नोन एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ई स्टेट आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन एंड एरिया। ये इलेबोरेट करने के लिए कई बार किसी ने उठा के 5 नंबर का ये क्वेश्चन दे दिया, तो आप तो इतना सा लिख के आ गए, फिर आपके पास तो एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप क्यों नहीं लिख के से इलेबोरेट कर दोगे 5 नंबर के अकॉर्डिंग। हमेशा हर चीज 5 नंबर तक लेके जाते हैं, 5 से ओवर नहीं हो जाएंगे। 6 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पेपर में आना, 7 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आना, 5 3 1 2 मार्क्स का भी नहीं आता आपको, 4 के भी नहीं आते, 5 3 1। तो आपको हर क्वेश्चन को उस वे से करो कि आप ये चीज साथ लेके चलो कि अगर ये चीज, ये क्वेश्चन मुझे 5 नंबर में आ गया फिर तो फिर कैसे इलेबोरेट करना है, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल राइटिंग राइट, अगर आपको 3 नंबर का आया राइट मेन आंसर, फिर आप स्टेट नहीं मेंशन करोगे, राइट मेन आंसर, फिर मेन लिखो। नेक्स्ट इसके बाद अब आपका आ जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप स्टार्ट वैसे ही करो इन इंडिया देयर आर इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे मैंने अभी बताया इतनी रिजर्व है, इतनी ये है। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपका मेन आंसर है, फिर बताओ कि गवर्नमेंट हैज रिजर्व दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज सो दैट, अब बताओ ना, पीपल ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स, और गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट दैट डिग्निटी ऑफ दीज पीपल। फिर आप बैक पे चले जाओ थोड़ा सा, ठीक है, अर्लियर कंडीशन ऑफ दीज पीपल वॉज पुअर, ठीक है, पुअर थी। फिर बताओ कि बी आर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, ही वाज ऑन द व्यू कंडीशन ऑफ दीस पीपल वुड नॉट बी इंप्रूव टिल दे वुड नॉट कम इन पावर, सो दैट्स व्हाई। अब इतना डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं बताने की जरूरत के गांधी जी और इरविन में, सॉरी बी आर अंबेडकर में झगड़े हुए, आपको नहीं मेंशन करना। आप यहाँ पे सिर्फ इतना बताओ कि ड्यू टू दिस रीजन बी आर अंबेडकर ने ये भी स्टार्ट की थी ना, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन भी स्टार्ट की थी, तो आपको ये भी चाहे आप ना लिखो, आप सिंपल लिखो कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कंडीशन ऑफ दीज पीपल वुड नॉट बी इम्प्रूव टिल दे वुड नॉट कम इन पावर। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट रिजर्व्ड द सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। एंड बताओ कि इस वे से बी आर अम्बेडकर वाज ऑन द व्यू दैट कंडीशन ऑफ दीज पीपल वुड नॉट बी इम्प्रूव टिल दे वुड नॉट कम इन पावर, सो दैट्स व्हाई आवर गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड द सीट्स फॉर दीज पीपल। अब आप सीट्स मेंशन कर दो के 84 फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी, 84 फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी, एंड टोटल 543, एंड आउट ऑफ दिस 412 फॉर जनरल कैटेगरी। नाउ इज इट क्लियर, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाए तो फ्रेम इट योरसेल्फ। मेन आंसर इज
government has reserved these constituencies because government want to promote the dignity of these people. Is it clear? This is the main answer. बस ये main answer नहीं गायब होना चाहिए. Next is voters list. अगर आपको voters list पे आता है तो आप main answer के prepared by election commission. फिर बताओ कि सबसे पहले तो इसे election commission हर बार revise करता है. ठीक है, revised by election commission. ठीक है, name of new voters are, bogus voters are deleted. ये सब आप इसमें mention करोगे कि new voters के name add किए जाते हैं, bogus voters के names delete किए जाते हैं. और फिर this work is done by government employees. ठीक है, government employees करते हैं, government employees लिखो, आपको teachers लिखने की जरूरत नहीं है. This work is done by government employees. तो आप बताओ कि I card is issued to the people. क्या issue किया जाता है उन्हें? इलेक्शन इसमें होएगा. एपिक शायद वर्ड इज गिवन. ट्राई टू फाइंड आउट विच वर्ड इज गिवन. इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. ये वर्ड पेपर में 1 मार्क में पूछ लेते होते हैं. इज इट क्लियर? इसकी फुल फॉर्म लर्न रखना, एपिक. एपिक ये इश्यू होता है वोटर्स को. इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. इज इट क्लियर? दिस इज इश्यू टू द वोटर्स. फॉर एग्जाम्पल ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. अगर एपिक वर्ड आए तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. तो ये वोटर्स को इश्यू किया जाता है बाय गवर्नमेंट. ठीक है, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वोटर्स विथ देयर आइडेंटिटी कार्ड गो टू द पोलिंग बूथ एंड कास्ट देयर वोट. अगर यही नहीं होएगा तो वोटर्स वोट कैसे डालेंगे बताओ? ठीक है, दिस इसको आप उनका नेम किसमें होना चाहिए वोटर्स का? इन द वोटर्स लिस्ट. यू नो इट के प्रेसिडेंट तक का नेम इन द वोटर्स लिस्ट. वही पर्सन वोट डाल सकता है जिसकी वोटर लिस्ट में नाम है. अगर प्रेसिडेंट का नेम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, वो तो कैंडिडेट ही नहीं है फिर. हर एक का नेम होता है वोटर्स लिस्ट में. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. वोटर्स लिस्ट इज कौन रिवाइज करता है इसे? नेम ऑफ न्यू वोटर्स आर एडेड, बोगस वोटर्स आर डिलीटेड. बोगस मीन्स अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई माइग्रेट हो जाए दूसरी कंट्री में, तो उनके नेम उसमें से डिलीट किए जाते हैं. और ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. और किससे करवाया जाता है ये वर्क? गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं. फिर आपने बताना है इलेक्शन एपिक, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज इश्यूड टू द वोटर्स ऑन द डे ऑफ इलेक्शन. वोटर्स विद देयर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड गो टू द पोलिंग बूथ एंड कास्ट देयर वोट. ठीक है, इज इट क्लियर? इसकी बहुत वैल्यू है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड की. जैसे आधार कार्ड है ना इंडिया में, वैसे यही है. ये एक आप कह सकते हो कि मेन आईडी प्रूफ है पर्सन का. तो नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. नहीं है ना इंडिया में, आपको कितना भी वो कह दे कि एजुकेशनल, आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता देने हैं. ये नहीं कहना कि पर्सन यहाँ पे होनी चाहिए. नो, आपने कहना है देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट इन अवर कंट्री. गवर्नमेंट हैज डन सो बिकॉज गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वायलेट द राइट ऑफ द इलिटरेट पीपल. इलिटरेट के राइट्स को गवर्नमेंट वायलेट नहीं करना चाहती थी. पर्सन हु आर गुड इन पॉलिटिक्स, ऑनेस्ट, डिजर्व, दे आर गिवन चांस. वो है. वैसे भी आप बताओ कि कैंडिडेट्स जो है ना, वो एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन से आगे आए. उनके एग्जामिनर कौन है? Lakhs of voters. They are examined by lakhs of voters. They already have given a tough competition. वो तो इतना tough competition देके आए हैं. तो it means उनके लिए qualification फिर government ने नहीं रखी हुई. फिर साथ में थोड़ा सा positive दे दो कि if candidate is educated and having proper knowledge about politics, then they can do good, best for the country. Is it clear? दोनों तरह से वो लाइन ऐसे लिखनी है. पर ये नहीं लिख देना कि देयर शुड बी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. नो, आपने कहा ना देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स इन अवर कंट्री. गवर्नमेंट हैज डन सो बिकॉज गवर्नमेंट, अवर गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वायलेट द राइट्स ऑफ द इलिटरेट पीपल. समटाइम्स इलिटरेट पीपल आर गुड इन पॉलिटिक्स. दे हैव, दे आर एक्सपर्ट, दे हैव गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स. दे कैन, दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी वेल. कर भी रहे हैं. ठीक है, कर भी रही है. दे आर डूइंग, बहुत लोग हैं हमारी पॉलिटिक्स में दोज हु आर इलिटरेट, दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी वेल. बस गवर्नमेंट को ये चीज देखनी है कि पर्सन जो है
उसे पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप बताओगे कि अगर वैसे भी बताओ कि कैंडिडेट हैज गिवन अ टफ कंपटीशन, फेस द टफ कंपटीशन बिकॉज ही सिलेक्टेड बाय लैक्स ऑफ वोटर्स, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट कंपल्सरी, ऐसे के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बट इन द एंड अपने व्यू दो, आई वॉन्ट टू से, आई आप अपना व्यू दे रहे हो, इन द एंड आई वॉन्ट टू से दैट इफ कैंडिडेट इज एजुकेटेड एंड हैज प्रॉपर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, then such candidates can do best for the country, they can frame best policies for the country. तो आपने mixed answer दिया।